बीटीएस के मेंबर्स कितना भी बोले या फिर कितना भी समझा ले, कुछ फैंस को या फिर कुछ लोगों को कभी समझ नहीं आएगा कि उनकी लाइफ में भी प्राइवेसी की काफी इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों, अब तो बीटीएस के मेंबर जंगकुक स्ट्रेट फॉरवर्डली इतनी बार ऐसे सेसंग फैंस को वार्न कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रिक्ट सजा पाए बिना ये सेसंग फैन नहीं सुधरने वाले हैं। और रिसेंटली हमारे जंगकुक के साथ फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर दुनिया भर की आर्मीज को काफी बुरा लग रहा है, और वो एक ग्रुप में आकर एक टीम बनकर इन हेटर्स को रिपोर्ट करने के पीछे लगी हुई है। तो दोस्तों, हुआ ये है कि रिसेंटली एक ट्विटर अकाउंट ने ये वार्निंग दी है, ये धमकी दी है कि वो बीटीएस के मेंबर जंगकुक की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ट्विटर और सोशल मीडिया पर लीक कर देंगी, जिसके बाद दुनिया भर की आर्मीज काफी गुस्सा है और इस अकाउंट को लगातार रिपोर्ट भी कर रही है। तो दोस्तों, इस आर्मी का कहना था, यानी सॉरी, इसे आर्मी तो नहीं कह सकेंगे, ये एक सेसंग फैन ही हो सकती है। इसका कहना है कि ये जंगकुक के फैन से काफी चिढ़ती है और इसका मानना है कि जंगकुक जिमिन को जो है ना अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए ये खुद को जिमिन, पाक जिमिन का प्रोटेक्टर बताती है, यही इसका यूजर नेम है। और इसका कहना है कि जो भी जंगकुक के फैंस है वो काफी अपनी हद पार कर रहे हैं और जंगकुक जिमिन के सामने कुछ नहीं है। रिसेंटली अपने ट्विटर अकाउंट पर इसने एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था जहां पर इसका कहना था कि जैसे ही इसके लाइव स्ट्रीम में 100 लोग होंगे ना, ये जंगकुक की पासपोर्ट और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन और जो उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करना स्टार्ट कर देगी। यही नहीं बल्कि दोस्तों, इसने तो ना फिर अपने इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर जंगकुक के कुछ पैन कार्ड या एयरपोर्ट पासपोर्ट टाइप की चीजें भी रिवील करी थी। हालांकि इसने उसे काफी ब्लर कर दिया था, तो आर्मीज को उसका साइड प्रोफाइल नहीं दिखा। कई सारी आर्मीज इसको बोल रही थी कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्रूफ करने के लिए ना इसने अपने ट्विटर पर एक फोटो भी पोस्ट करी जो कि जंगकुक के पासपोर्ट जैसी लग रही थी, और इसने साइड का जो भी चीजें है ना उसको हाइड कर दिया था। अब दोस्तों, देखा जाए तो वैसे हमें पता नहीं है कि ये रियल पासपोर्ट था या नहीं है। हो सकता है कि इसने ऐसे फेक एडिट भी कर लिया, क्योंकि साइड का सब कुछ तो हाइड ही था, बस ऊपर से पासपोर्ट लिखा था और जंगकुक की फोटो बनी हुई थी, तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो भी है, उसके बाद सभी आर्मीज ने इसे मास रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इसका ट्विटर अकाउंट तो चलना बंद हो गया था। लेकिन कई सारे आर्मीज का कहना है कि ऐसे फैंस को समझना चाहिए, ऐसे लोगों को रोकने की काफी जरूरत है। कई सारे आर्मीज बिगिट को भी इस मैटर में इन्फॉर्म कर रही हैं और बोल रही हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब एक सेसंग फैन ने जंगकुक के घर खाना भिजवाया था, तभी जंगकुक ने ओपनली आकर कहा था और बहुत बार कह चुके हैं कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। तो अब तो ये फैंस अगर ऐसे अपनी हद पार करेंगे तो फिर उनके लिए काफी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस बारे में, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।